इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप देखिएगा कि अकेडमी के सब्सक्रिप्शंस पे कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस 50 टॉप एजुकेटर्स भी है। टेस्ट सीरीज प्लस कोर्सेज में कंप्लीट सिलेबस कवर्ड, अनलिमिटेड सारी चीज़ें मिलती हैं। फ्री क्लासेज में केवल लिमिटेड मिलती हैं, इसलिए सभी लोग प्लस कोर्सेज को लें। और सब्सक्रिप्शंस के बेनिफिट बैच कोर्सेज, डाउट क्लियरिंग सेशन, पॉल कमेंट क्वीज, अनलिमिटेड एसेस वाच, ऑफलाइन पीडीएफ नोट्स, मॉक मिलेगा, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बैच कोर्सेज हैं, ये सारे बैचेज हैं यूपीएससी के। सब्सक्रिप्शंस का बेनिफिट है, अपकमिंग है, ऑनगोइंग बैचेज हैं, टॉप एजुकेटर्स बिहार के हैं, बिहार बीपीएससी के। अकेडमी के सब्सक्रिप्शंस के लिए बीपीएससी की नई कीमतें आ गई हैं। 1 मंथ के लिए 1600, 3 मंथ के लिए 4000, 6 मंथ के लिए 7200, 12 मंथ के लिए 8800, 24 मंथ के लिए 12800। आपको रंजन कोड का प्रयोग करके और 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो ये आप ले सकते हैं रंजन कोड के प्रयोग करने के बाद जो है, और कोड के सहारे ही आपको मिलेगा। और अपनी अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुसार ले सकते हैं। बेहतर तो होगा कि आप 24 मंथ्स के लिए लें, लेकिन फिर भी अपनी क्षमताओं के अनुसार आप 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ का आप ले सकते हैं। और ये सारी न्यू प्राइसेज हैं, 1600, 4000, ये अपने अनुसार आप ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शंस के लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ये सब बेनिफिट्स हैं, डाउट्स हैं, क्वीज हैं। और ये देखिए कि हम लोग मुख्य परीक्षा में श्रम सुधारों को एक बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए श्रम सुधार जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो श्रम सुधार जो है वो इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको। मैंने पहले भी चर्चा की है कि 114 नंबर के इकोनॉमी में क्वेश्चन आएंगे, सेकंड पेपर में आपके जो है वो, हम लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि श्रम सुधारों से आशय क्या है, क्योंकि इस बार जो है वो 2020 में लेबर लॉ से संबंधित संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं, तो ये आपके लिए बेहद जरूरी है। इससे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। कृषि विधेयक और श्रम विधेयक से जरूर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत प्रबल है। आइए देखते हैं कि श्रम सुधारों का मतलब श्रम बाजार का विभाजन करते हुए उसे संगठित और असंगठित क्षेत्र में बांट करके देखना और उसको श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के विरोध में खड़ा करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की संरक्षण की जाए और संवर्धन किया जाए। क्योंकि देश में असंगठित क्षेत्र के में ज्यादा लोग इंप्लॉयर है, और संगठित क्षेत्र में ही सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र। साथ ही उद्यमियों के चिंताओं का समाधान करते हुए उद्यमिता एवं निवेश के अनुकूल माहौल सृजन करना। उद्यमियों के यहाँ भी दिक्कतें होती हैं, जब इम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, विवाद खड़े हो जाते हैं। किसी को आपने सुना होगा मारुति में निकाल दिया गया, मानेसर प्लांट में तो बड़ा विरोध किया मजदूरों ने। तो इस तरह की विवाद कैसे ना हो, विवाद अगर हो भी तो उनका एक उचित समाधान हो जाए और आर्थिक समृद्धि को की प्रक्रिया त्वरित हो, रोजगार अवसर उद्यमी और रोजगार अवसर दें, ऐसे रोजगार के लॉज हो, रोजगार के ऐसे नियम हो जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं हो जाए, न तो मजदूरों को कोई प्रॉब्लम हो, नहीं उद्यमियों को कोई प्रॉब्लम हो, और इसे आर्थिक विकास की भावना को बड़ी तेजी मिले। लेकिन इस क्रम में इस बात को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि ऐसा कोई भी सुधार श्रमिक विरोधी नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसे सुधारों के लिए श्रमिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दलों का समर्थन भी जुटा पाना मुश्किल हो जाएगा। हमें ये बात देखनी है कि कोई भी श्रम सुधार लागू होगा तो उसके तीन कंपोनेंट, एक तो खुद मजदूर है कि नहीं, एक मजदूर है, दूसरा उसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, उद्यमी है, तीसरा कंपोनेंट है कि राजनीतिक दलों में कितनी आस्था है उसको लागू करने का और विरोध करने का। कि आप देखिए कि सारे ट्रेड यूनियन जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से प्रतिबद्धता अपनी रखे रहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो, कोई भी हो, है ना। तो लेबर लॉ जो है वो स्मूथली पास होने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों की सहमति भी हो
तो देखिएगा कि हम इन्हीं बातों के आलोक में इन्हीं सब चीजों पे प्रश्न हो सकते हैं, और इस क्रम में स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन श्रम सुधारों के विरोध में नहीं हो, उनका विरोध सुधारों के प्रति है जो उद्यमी और प्रबंधन के पक्ष में और श्रमिक हितों के विरोध में है। वो उन्हीं सुधारों का विरोध करेंगे जो कि उद्यमियों और प्रबंधन के पक्ष में है और श्रमिक हित के विरोध में। तो उनको अगर विश्वास दिलाया जाए तो श्रम सुधार उनके सहमति से लागू करना और भी अच्छा हो जाए। श्रम सुधारों की पृष्ठभूमि को हम देखेंगे, लेकिन कोई भी आंसर में जब वो गहनता तभी आती है जब उनको बहुत बारीकियों से आप चीजों को पढ़ें। पिछले कई दशकों से जारी भारतीय श्रम नीति का समाजवादी रुझान ये जग जाहिर है जो उद्यमियों एवं फैक्ट्री प्रबंध की तुलना में श्रमिकों के पक्ष में है। भारतीय श्रम नीति जो है वो श्रमिकों के पक्ष में वो दिखाई देती है, ये पहली विशेषता। साथ ही श्रम कानूनों की बहुलता है और जटिलता के कारण इनकी अनुपालन लागत बहुत ज्यादा। हमारे जो श्रम कानून है वो जटिल हैं जो, इसलिए उनका इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल है, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल। और इतना ही नहीं, सख्त श्रम कानूनों के दायरे में आने से बचने के लिए भारतीय कंपनियां खुद को छोटे स्तर पे समेट कर रखना पसंद करती, अभी अपने को बड़ा शो नहीं करती। ये बड़ा दिक्कत वाली बात, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। भारत में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, वो श्रम कानूनों में लचीलापन नहीं है, वो बहुत मुस्तैदी से उसको लागू किया जाता है। तो कंपनियां अपने आप को बड़ा सिद्ध नहीं करती हैं, चाहती हैं कि खुद सिमटे रहे, छोटे कंपनी है, किसी का नजर न जाए। तो ये अच्छी बात नहीं है। फलतः उद्यमिता और निवेश के साथ साथ समृद्धि एवं रोजगार के अवसरों का सृजन प्रतिकूल प्रभावित होता, तो उनका कैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर कैसे उनको रखा जाए, इन बातों को हमें सोचना हो। इसलिए यह आरोप लगाया जाता है कि श्रम कानूनों में श्रमिकों को निष्कासित होने से बचाने के लिए जो तमाम प्रावधान किए गए हैं, वे वास्तव में अनुत्पादक और निष्क्रिय कर्मचारियों के लिए अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ ढाल बन गए। हमें ये देखना होगा जो अक्षम जो मजदूर हैं, जो अक्षम मजदूर हैं उनको निकाल दिया जाना चाहिए, और बाजार के नियम जो है वो बाजार के नियमों को भी कुछ छूट मिलनी चाहिए। हालांकि ये जरूरी है कि उद्यमी भी मजदूरों को परेशान नहीं करेंगे, उद्यमी भी मजदूरों को उनकी उचित मजदूरों दोनों के बीच एक संतुलन की स्थिति हो, दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए, तभी वो उद्यम बढ़ेगा। उद्यम सहयोग पे आधारित है, न कि विरोध पे। इसके बावजूद अगर इससे मजदूरों का भला होता तो इस स्थिति को स्वीकारा जा सकता था, पर इससे न तो मजदूरों का भला हो पा रहा है और न ही उद्यमियों का भला हो रहा। तो उद्यमियों और उद्यमिता के लिए प्रतिकूल ही स्थिति विडंबनात्मक ही कही जाएगी कि श्रम बाजार में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की 88 से 90% हिस्सेदारी के बावजूद ये संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पक्ष में है, जबकि बहुत ज्यादा 90% भागीदारी जो है वो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की है। और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भागीदारी सबसे ज्यादा है 90%, लेकिन इसके बावजूद ये संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पक्ष में ही है, जबकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संदर्भ में रोजगार सुभेदता भी बहुत ज्यादा है और सामाजिक सुरक्षा संजाल भी अत्यंत कमजोर है। हालांकि ये जो जो असंगठित क्षेत्र के प्रति हमें ज्यादा चिंता होनी चाहिए, क्योंकि उनकी रोजगार की निश्चितता ज्यादा है, वल्नरेबिलिटी ज्यादा, उसको वल्नरेबल शब्द कहा जाता है, और उनको कोई सामाजिक सुरक्षा सोशल सेफ्टी नहीं, वो नेट्स भी उपलब्ध नहीं, किसको, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों। लेकिन इस मसले की जटिलता को समझे जाने की जरूरत है। अब देखिएगा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम और छटनी का क्या हिसाब किताब, क्या व्यवस्था है, इन चीजों को हम देखेंगे कि देश में क्या इससे कुछ वो कुछ नियमित कोई अगर कोई कानून बना है या कानून नहीं बना है, इन सब चीजों की हम देखेंगे कि देश में विद्यमान श्रम प्रावधानों में सर्वाधिक विवादास्पद औद्योगिक विवाद अधिनियम का एक प्रावधान है। सॉरी,
औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है वो का वो प्रावधान है जिसमें 100 से अधिक श्रमिकों वाली इकाइयों को बंद करने या उनमें छटनी करने के पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति अनिवार्य। ये एक अधिनियम है। यह प्रावधान बड़े फर्मों के निर्माण में बड़ी बाधक है कि 100 से अधिक अगर श्रमिक वाली इकाई है उसको अगर बंद करने हो, उसमें छटनी करने हो तो सरकार की अनुमति जरूरी है। साथ ही इसके कारण इकाई की लाभदायकता एवं कार्य कुशलता भी प्रभावित होती है। विशेषकर तब जब औद्योगिक उदारीकरण के मार्ग में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण कितनी ही इकाइयां रुग्णता की स्थिति में पहुंच चुकी हैं, तो उनको बंद करने की भी प्रणाली एक समुचित प्रणाली होनी चाहिए। इसलिए जब 98-99 तक आते आते दूसरे चरण के ये महत्वपूर्ण ये सब शब्द है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है दूसरे चरण के आर्थिक सुधार क्या। तो दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों की चर्चा हुई तो उसमें सबसे अधिक जोर उदार एवं लचीले श्रम कानूनों के द्वारा श्रम सुधार पे दिया गया। तो जब सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म जब शुरू हुआ, क्योंकि तो हमें ग्रोथ रेट बढ़ाना था, हमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देना था, तो उदार एवं लचीले श्रम कानूनों के द्वारा श्रम सुधार पर बल दिया। इसे पूंजी के उत्पादक इस्तेमाल, आर्थिक कार्य कुशलता, प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए आवश्यक माना गया। उद्यमता एवं श्रम बाजार की गतिशीलता पे प्रतिकूल असर है। भारत में मौजूद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों में 95% इकाइयां सूक्ष्म इकाइयों की श्रेणी में आती, 4.5% इकाइयां लघु इकाइयों की श्रेणी में और मध्यम श्रेणी की इकाइयों में। जैसे जैसे इकाइयों का आकार बढ़ता है उसमें उत्पादकता भी बेहतर होती जाती है और श्रमिकों की उत्पादकता भी, ये एक रूल है। ज्यादातर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में 95% इकाइयां जो है वो छोटी इकाइयां हैं। देखिएगा ध्यान से, ज्यादातर इकाइयां जो एमएसएमई सेक्टर में हैं, उनमें से ज्यादातर इकाइयां मैंने 95% जो है वो माइक्रो है, छोटे लेवल की। और देखिएगा कि वो 4.5% इकाइयां केवल जो है वो 4.5% इकाई जो है वो स्मॉल और मीडियम जो है 0.5% है। इसका मतलब 5% ये निकाल दिया जाए, बाकी 95% माइक्रो लेवल पे है। और जैसे जैसे इकाइयों का आकार बढ़ेगा उसकी उत्पादकता भी बेहतर होगी, श्रमिकों की उत्पादकता भी बेहतर होगी, जिसके कारण श्रमिकों के भी एक बेहतर रिटर्न मिलते हैं। ये एक सिद्धांत, एक वो प्रूफ चीज है। इसका कारण यह है कि श्रम कानूनों की जकड़न और सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाते रहने के लिए इकाइयां अपने आकार को छोटा ही बनाए रखना चाहती। विश्रम कानूनों की जकड़न बहुत ज्यादा है, सरकार के द्वारा उपलब्ध जो लाभ है वो छोटी इकाइयों को ज्यादा दिया जाता है, अन्यथा छोटे आकार के कारण मिलने वाले लाभों और सुविधाओं से उन्हें वंचित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने आप को वो छोटा ही दिखाती है, अपने आप को छोटा दिखाती है। इनसे अपेक्षा की जाती है कि गतिशीलता प्रदर्शित करते हुए खुद को सूक्ष्म से लघु में, लघु से मध्यम में और मध्यम से बृहद उद्योगों में रूपांतरित करते हुए उद्यमता बाजार में गतिशीलता सुनिश्चित करें। उनमें हम मोबिलिटी की आशा करते हैं, हम मोबिलिटी की आशा करते हैं कि धीरे धीरे वो माइक्रो से मीडियम में हो जाए, स्मॉल इंडस्ट्रीज का रूप ले ले और स्मॉल से फिर जो है वो मीडियम श्रेणियों में वो हो जाए, माइक्रो स्मॉल मीडियम। यही तो एमएसएमई है, यही तो एमएसएमई है सेक्टर। लेकिन ऐसा न होने पाने का प्रतिकूल असर पूंजी और श्रमिकों की उत्पादकता पे पड़ रहा। अगर माइक्रो लेवल होगा तो श्रमिकों की उत्पादकता कम हो जाएगी और अंततः यह अर्थव्यवस्था के साथ साथ श्रमिकों की बेहतरी की संभावना को बड़ी बाधित करता। संक्षेप में कहें तो कठोर एवं जटिल श्रम कानूनों के कारण उद्यमता बाजार के साथ साथ श्रम बाजार की गतिशीलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है, यही मेन बात। इन बातों को लिखना पड़ेगा आपको, जब तक समझदारी होगी तभी जाकर के आप लिख पाएंगे। साथ ही इसके कारण संगठित क्षेत्र का विस्तार भी प्रभावित हो रहा है। स्वाभाविक है, इससे रोजगार के अवसरों के
सृजन पे भी प्रतिकूल असर पड़े और जब असंगठित क्षेत्र का बाजार जो है श्रम बाजार की गतिशीलता अगर प्रतिकूल प्रभावित होती है तो संगठित क्षेत्र ही प्रभावित होता। ऐसी चीजें नहीं है कि संगठित क्षेत्र जो है वो प्रभावित नहीं हो रहा। अगर जो पूरा मार्केट जो है असंगठित क्षेत्र का है वो ज्यादातर 90% जो है वो असंगठित क्षेत्र का ही है, लेकिन जब श्रम बाजार की गतिशीलता जब प्रभावित हो जाएगी, श्रम बाजार ही पूरा जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, तो और संगठित क्षेत्र पर भी प्रभाव लाजिमी है पड़े। और इससे क्या होगा, ओवरऑल ओवरऑल जो है रोजगार का अवसर का सृजन जो है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित पड़ेगा। ध्यातव्य है कि श्रम बाजार की गतिशीलता से आशय श्रमिकों का और कुशल श्रम से कुशल श्रम की ओर। श्रम बाजार की गतिशीलता का मायने क्या है, क्या मायने है श्रम बाजार की गतिशीलता से? श्रमिकों का अकुशल श्रम से कुशल श्रम की ओर और संगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर और सूक्ष्म से बृहत उद्योगों की ओर प्रस्थान है जो श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि की संभावनाओं को बल प्रदान करता। श्रम बाजार की गतिशीलता क्या है? श्रम बाजार की गतिशीलता से आशय श्रमिकों का और कुशल श्रम से कुशल श्रम की ओर और संगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर है, सूक्ष्म से बृहत्तर उद्योगों की ओर प्रस्थान। निश्चय ही से श्रमिकों के लिए एक बेहतर रिटर्न, बेहतर रोजगार सुरक्षा और बेहतर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। श्रम बाजार अगर गतिशील होगा तो लघु उद्योगों से प्रशिक्षित लोग कहां जाएंगे और संगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्रों में लोग जाएंगे। जो अनस्किल्ड जो लेबर फोर्स होगा वो स्किल्ड में चेंज होगा, सीखेगा भाई। तो जो स्किल्ड, जो नॉन स्किल्ड है, जो नॉन स्किल्ड मान लीजिए कि कोई वर्कफोर्स हमारा जो है वो नॉन स्किल्ड है, वो क्या हो गया, नॉन स्किल्ड का मतलब अकुशल हो गया। वो किसमें चेंज कर जाएगा, वो कुशल में चेंज कर जाएगा और कुशल कुशल में चेंज करेगा। तो जब कुशलता जब बढ़ेगी तो उत्पादकता भी बढ़ जाएगी, सभी चीजों में फायदा होगा, रोजगार की सुरक्षा मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अगला देखिएगा, निम्न एवं असमान वेतन अनुपात जो है वो सब इशूज है। भारतीय श्रम बाजार में नियमित और संविदा श्रमिक कॉन्ट्रैक्ट लेबर का स्पष्ट विभाजन दिखता। भारतीय जो श्रम बाजार है उस श्रम बाजार में नियमित जो है वो और संविदा कॉन्ट्रैक्ट के लेबर का स्पष्ट विभाजन मिलता। ये रेगुलर हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट हैं जो है, इनमें मजदूरी को, रोजगार सुरक्षा, अन्य सुविधाओं और सामूहिक मोल भाव की क्षमता को लेकर के बड़ा फर्क। यदि इस प्रश्न पे गहराई से विचार किया जाए तो नियमित एवं अनियमित क्षेत्र के इन श्रमिकों के मूल में मौजूद है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का फर्क जो है वो। श्रमिकों की निम्न श्रम उत्पादकता जो है वो अपेक्षाकृत जो है कम उत्पादकता वाली इकाइयों का बहुलांश ज्यादा होना और इन सब के कारणों से मजदूरी का कम होना जो है वो। देखिएगा कि नियमित और अनियमित अगर इस चीजों का कि हम देखेंगे कि वो सामूहिक मोल भाव की क्षमता को, जो नियमित है उनको मोल भाव की क्षमता ज्यादा होती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बहुत कम होता। अगर इस पे गहराई से विचार तो नियमित और अनियमित क्षेत्र का मतलब क्या है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र का फर्क। श्रमिकों की जो है लो श्रम उत्पादकता है और इनकी जो इकाइयां हैं कम, उनका ज्यादा संख्या में है जिनके कम उत्पादकता वाले छोटे छोटे जो माइक्रो लेवल पे हैं और मजदूरों का बड़ी मजदूरी यहाँ पे कम। भारत की 6 करोड़ औद्योगिक इकाइयों में से केवल 12 लाख ही अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा का भुगतान करते, जबकि इनमें से केवल 18,000 इकाइयों की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए से अधिक।
विनिर्माण में लगी इकाइयों में मैन्युफैक्चरिंग में 90% इकाइयों की उत्पादकता बाकी 10-20 इकाइयों की तुलना में 24 गुना कम है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो ज्यादातर उत्पादकता जो 90% का है वो बड़ा कम है, तो कैसे उनका काम चलेगा, कैसे प्रतिस्पर्धा में टिकेंगे। देखिएगा संविदा श्रमिकों की समस्या क्या है। संविदा श्रमिकों की उन श्रमिक अनुबंधकर्ताओं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा अनुबंधित किया जाता जो नियोक्ता से संविदा श्रमिकों के आपूर्तिकर्ता के रूप में सूचीबद्ध होते हैं। कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं मार्केट जिनके द्वारा अनुबंधित होता है और नियोक्ता से संविदा श्रमिकों के आपूर्तिकर्ता सप्लायर्स सिक्योरिटी एजेंसी का देखते होंगे, सुरक्षा गार्ड जो लगते हैं वो सब क्या है, वो सभी जो है उनके सप्लायर्स हैं जिनके द्वारा वो होते हैं और वो सप्लाई देते हैं सुरक्षा कार्ड को, इसे बैंक एटीएम में हो गया, बहुत जगहों पैसे होते हैं और इन्हीं के द्वारा इन्हें वेतन का भुगतान किया जाता है। वो एजेंसी करती पैसा बहुत कम देती हैं, अपने पैसा रख लेती हैं बहुत ज्यादा। अगर मान लीजिए सिंपल बाजार में समझिए कि अगर एटीएम का देखभाल करने वाला अगर उसको 8,000 मान लीजिए कि वो सप्लायर उठा रहा है नियोक्ता कंपनी से, तो उसको 6,000-7,000 ही देता, 1-2 हजार रुपये रख लेता है। इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए संविदा श्रमिकों को नियोक्ता ना तो अपना कर्मचारी मानते हैं और ना ही उनके मसले पे ट्रेड यूनियन से किसी भी प्रकार की बातचीत के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो अस्थायी प्रवृत्ति के हैं। और देखिएगा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 और संविदा के श्रमिक, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी श्रमिक ट्रेड यूनियन का सदस्य हो सकता है, कोई भी श्रमिक ट्रेड यूनियन का सदस्य हो सकता है। इस अधिनियम की धारा 2G विवादों के संदर्भ में इस उपक्रम में कार्यरत सभी श्रमिकों चाहे उनका नाम नियोक्ता की रोजगार सूची में है अथवा नहीं, वो ट्रेड यूनियन के संदर्भ में कामगार के रूप में परिभाषित करती है। लेकिन ट्रेड यूनियन प्रबंधन के साथ टकराव से बचने के लिए केवल अस्थाई श्रमिकों को ही अपना सदस्य बनाते हैं, कौन, ट्रेड यूनियन वाले। अतः उनके द्वारा सामान्यतः संविदा श्रमिकों को सदस्यता एवं मताधिकार प्रदान करने से परहेज किया जाता। तो ऐसे क्या होते हैं कि जो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 है अभी भी वही ट्रेड अधिनियम है, तो संविदा श्रमिकों को वैल्यू नहीं देते हैं। दूसरी बात ट्रेड यूनियनिस्ट और स्थायी श्रमिक अपने प्रभाव कम होने की आशंका के कारण खुद ही अनुबंध श्रमिकों तक यूनियन की सदस्यता का विस्तार नहीं चाहते, वो नहीं चाहते। यही कारण है कि स्टील एवं कोयला क्षेत्र में संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर भारतीय अनुबंध श्रमिक शोषित है, केवल स्टील में और कोयला क्षेत्र में थोड़ा उनका संवर्धन हितों का यूनियन गतिविधियों से संबंध है और दोनों एक दूसरे को उत्प्रेरित कर रहे हैं। संविदा श्रमिकों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है कि क्या निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। जो है हाल में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र में नियुक्त संविदा श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के समान वेतन दिए जाने की बात करते हुए कहा कि संविदा श्रमिकों, अस्थायी श्रमिकों, दिहाई मजदूरों, अनौपचारिक श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन न देना उनका शोषण है और मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है। ऐसी बातों को ये किया गया कि वो गरिमा के अनुकूल है, वो गरिमा के अनुकूल है, वो गरिमा के मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का नियमित श्रमिकों और अनुबंध श्रमिकों सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का नियमित श्रमिकों और अनुबंध श्रमिकों चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र से संबंध हो या फिर निजी क्षेत्र में, उनके बीच विद्यमान वैषम्य का प्रहार करता। इसका इस वैषम्य पे तत्काल एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है क्योंकि ट्रेड यूनियन संविदा श्रमिकों की समस्याओं को लेकर के उदासीन।
तो ये देखिएगा कि क्योंकि ट्रेड यूनियन संविदा श्रमिक, अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का नियमित श्रमिकों और अनुबंध श्रमिकों, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र से संबंध हो या फिर निजी क्षेत्र में, उनके बीच में विद्यमान वैषम्य पे प्रहार करता है ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि दोनों को एक माना जाए। इसका इस वैषम्य पे तत्काल एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे ट्रेड यूनियन ही सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं, इस समस्या को लेकर के बड़ी उदासीन, बहुत उदासीन है इस समस्या को लेकर के। संविदा श्रमिक नियम उन्नीस अधिनियम 1970, इस अधिनियम को अस्थायी और नियमित श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसके मद्देनजर यह अधिनियम सफाई, बागवानी, रखरखाव जैसे गैर महत्वपूर्ण कामों के लिए संविदा श्रमिकों के प्रयोग की तो अनुमति देता है, पर उत्पादन जैसी मुख्य गतिविधियों के लिए संविदा श्रमिकों के प्रयोग पर रोक लगाता। संविदा श्रमिक नियमन और उन्मूलन अधिनियम भी एक बना हुआ है जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे, बाकी में बागवानी में सफाई में तो देता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जैसी मुख्य गतिविधियों में यह मना ही कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को श्रमिकों के प्रयोग पे। इसके बावजूद संविदा श्रमिकों के आपूर्तिकर्ता ठेकेदार संविदा श्रमिकों को सफाई कर्मी के रूप में फैक्ट्री में प्रवेश दिलाते हुए आसानी से इस प्रावधान की अनदेखी करते हैं, और एक बार फैक्ट्री स्थल में प्रवेश के बाद उन्हें उत्पादन के काम में लगा दिया जाता, इसकी निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं। कि जो ठेकेदार हैं वो सफाई कर्मी के रूप में प्रवेश पहले दिला देते हैं, बाद में जो है उनको मैन्युफैक्चरिंग के कामों में भी लगा दिया जाता, मैन्युफैक्चरिंग के कामों में भी उन्हें लगा दिया जाता। स्पष्ट है कि अधिनियम स्पष्ट है कि अधिनियम संविदा आश्रम के उन्मूलन के लिए लाया गया था, लेकिन इसने इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रदान कर उनका शोषण और उत्पीड़न को संस्थागत मजबूती प्रदान कर दी। संविदा रह ही गया, वो बैकडोर से संविदा वो चला गया, वो रह गया, व्यावहारिक धरातल पे ये कानून अप्रभावी बना रहा। इनका बड़े सफाई, बागवानी और रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण कामों के अलावा उत्पादन गतिविधियों के लिए भी होने लगा। साथ ही न तो इन्हें कानूनों के मुताबिक मजदूरी मिलती है और न ही समय अवधि पे मजदूरी का भुगतान होता। तो जो उन्मूलन की बात की गई, वो उन्मूलन की बात नहीं हुई। अब देखिएगा कि और भी ऐसे, और उन्हें अब क्या है, उन्हें ओवर टाइम मिलता है कि नहीं, कर्मचारी राज्य बीमा प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाओं का वो उनको नहीं मिलता है, वैसी सुविधाएं प्रोविडेंट फंड की, ये ईएसआई हॉस्पिटल जो है वो इम्प्लाईज इंश्योरेंस और वो जो कर्मचारी बीमा है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के पहले तक अस्थाई और अस्थाई श्रमिक दोनों ट्रेड यूनियन के सदस्य के रूप में नियोक्ता के समक्ष दावे और उनके साथ मोल भाव कर सकते थे, लेकिन इस अधिनियम में नियोक्ता एवं मूल नियोक्ता के बीच विभेद कर अनुबंधीकरण के विस्तार की संभावनाओं को बनाए रखा जाए, नियोक्ता और मूल नियोक्ता कर दिया इसने बातों को। इससे भी क्या हुआ कि इससे भी जो जैसे सिक्योरिटी गार्ड का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो कर्मचारी राज्य बीमा और प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाओं की उनको नहीं मिलती, श्रमिक हितों का संरक्षण और मजदूर संगठन देखिए। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अधीन पंजीकृत देश के करीब 20,000 छोटे बड़े मजदूर संगठन देश के 5 प्रमुख केंद्रीय मजदूर संगठनों के सदस्य हैं। कांग्रेस से संबंध इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक है। हमने क्या कहा कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, सभी कोई न कोई ट्रेड यूनियन से संबंधित, सभी न सभी हैं, सभी कोई न कोई ट्रेड यूनियन से संबंधित, सारे के सारे जो है वो ट्रेड यूनियन से संबंधित है। अब इंटक जो है वो कांग्रेस से है, भाजपा से जो है वो रिलेटेड जो है वो भारतीय मजदूर संघ जो है वो भारतीय मजदूर संघ जो है वो बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ जो है वो भाजपा से रिलेटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध ऑल एटक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
अटक जो है उससे रिलेटेड है। अटक जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो, तो सभी के सभी एफिलिएशन जो है वो, कोई ना कोई एफिलिएशन सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो सभी ने सभी एसोसिएटेड है, वो सारे लोग वो एसोसिएटेड है। इंटक हो गया कांग्रेस के साथ, भाजपा के साथ बीएमएस हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अटक हो गया, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन सीचू हो गया, और स्वतंत्र संगठन हिंद मजदूर संगठन भी जुड़े हुए हैं। भारत में मजदूर संगठन सदस्यता का अनुपात अमेरिका और ब्रिटेन जैसे समृद्ध देशों से भी अधिक है। देखिएगा, भारत में कुल श्रम शक्ति का 15% हिस्सा मजदूर संगठनों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन संगठनों के तकरीबन 90% संगठित क्षेत्र से आते हैं। ट्रेड यूनियन में किसका बोलबाला, ट्रेड यूनियन में किसका बोलबाला है? ट्रेड यूनियन में 90% सदस्य जो है वो संगठित क्षेत्र से आते हैं, और संगठित क्षेत्र का कोई बोलबाला नहीं है। स्पष्ट है कि ये श्रमिक संगठन महज संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए मजदूर संगठनों में हिस्सेदारी के पैमाने पे भारत अमेरिका और ब्रिटेन से बड़ा पीछे नजर आता। 15% से हिस्सा मजदूर संगठनों से जुड़ा हुआ है कुल श्रम शक्ति, लेकिन इसमें से भी प्रश्न यह है संगठित और असंगठित क्षेत्र का है। संगठित एवं फर्क और संगठित क्षेत्र का हमारा फर्क है, जो ये हमारा फर्क है। अप्रासंगिक होते मजदूर संगठन, देखिएगा ये सब समस्या है। पश्चिमी देशों के ही नहीं, भारत में भी संगठनों की महत्ता पिछले तीन तेजी से बड़ी घटी है, क्योंकि ये तो पिछले तीन चार दुनिया के विभिन्न देशों में आर्थिक नीतियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच फर्क लगातार कम होता चला है, और दूसरे राष्ट्रीय सरकारों पे कॉरपोरेट सेक्टर का शिकंजा लगातार कसता चला गया, जिसके कारण इनके द्वारा हड़तालों को कानूनन हतोत्साहित करने की रणनीति अपनाई गई। सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो देखिएगा, चाहे मान लीजिए भारत में हो कांग्रेस हो भाजपा हो, कोई पार्टी जो है सभी जो है वो विदेशी निवेश का सभी स्वागत करते हैं, सभी विदेशी पूंजी का स्वागत करते हैं, तकनीक का स्वागत करते हैं, सभी चीजों का वो स्वागत है। वे सभी पॉलिटिकल पार्टी के एक जैसे रुख हैं, सभी को कोई कोई कॉरपोरेट सेक्टर सबको मदद करता। इतना ही नहीं, श्रमिक संगठनों के नेतृत्व ने भी श्रमिकों एवं श्रमिक हितों को महत्व देने के बजाय कॉरपोरेट सेक्टर और प्रबंधन को तरजीह देते हुए अपने हितों को साधने में कहीं अधिक रुचि प्रदर्शित की। तो ये क्या किया इन श्रमिक संगठनों के नेतृत्व ने भी, क्या किया श्रमिकों और श्रमिक हित को महत्व देने के बजाय कॉरपोरेट सेक्टर और प्रबंधन से जाकर के मिल गए नेता ये, और अपने हितों को साधने में कहीं अधिक रुचि प्रदर्शित की इन्होंने, जिसके कारण उनकी विश्वसनीयता भी प्रभावित हुई और साथ ही मजदूरों पर पकड़ भी खत्म कम हो गए। और संगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ साथ अनौपचारिक श्रमिक इनकी चिंता के दायरे में तो आते ही नहीं है, तो इनकी भी समस्या है। मजदूर संगठन अप्रासंगिक हो गया, क्या वजह रही? मजदूर संगठन भी अप्रासंगिक हो गया, मजदूर संगठन भी अप्रासंगिक हो गया। अब देखिएगा, यही कारण है कि भारतीय श्रमिक संगठन, यही कारण है कि भारतीय श्रमिक संगठन विश्वसनीयता के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं, और यही संकट उनके अवसान और उनके अप्रासंगिक होने का महत्वपूर्ण कारक है, जो चिंता का विषय। मजदूर संगठनों में भी जो है वो उनकी अप्रासंगिकता बढ़ रही है, और उस राष्ट्र के लिए भी और श्रमिकों के साथ साथ उन मजदूर संगठनों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। वैश्वीकरण से इतर यह भी सच है कि एक दौर में अपने एजेंडे को लागू करने के बाद इन श्रमिक संगठनों के पास कोई मुद्दा ही शेष नहीं रहा, और ये खुद को भूमिका को पुनर्भाषित करने में असफल रहे, जिनके कारण अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही। इनके सामने मुद्दे भी खत्म हो गए। आर्थिक उदारीकरण के बाद जो बदलाव जो आया, उस बदलाव में इनकी इनको इनके पास मुद्दे भी कम हो गए। क्यों कम हो गए, इन सब बातों पे वही गौर करने वाली बात। एक बार फिर से प्रासंगिक होते मजदूर संगठन, देखिएगा
पश्चिमी देशों विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप में मजदूर संगठनों को सरकार पे दबाव बनाकर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन आदि को सुनिश्चित करने में सफलता मिली। पश्चिमी देशों में उन्हें बहुत सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन भारत में सफल नहीं है। ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन से कारक हैं, इन बातों की चर्चा होगी। लेकिन 1980 के दशक और उसके बाद आर्थिक न उदारवाद ने उन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया। ये जितना बड़ा सच पश्चिमी देशों के संदर्भ में है, उतना ही बड़ा सच भारत और भारत जैसे विकासशील देशों का। लेकिन हाल में वैश्वीकरण के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई है और इसकी पृष्ठभूमि में दक्षिण पंथी राष्ट्रवाद का तेजी से उभार कहीं न कहीं श्रमिकों को निराशा और हताशा को दर्शाता और इस बात की ओर संकेत देता है कि इन श्रमिकों को, अप्रासंगिक हो चुके मजदूर संगठनों को शिद्दत से जरूरत। तो वैश्वीकरण के खिलाफ भी प्रतिक्रिया हो रही है। जब हो रही है तो मजदूर संगठनों को, इन श्रमिकों को भी ऐसा लग रहा है कि भाई मजदूर संगठन होना चाहिए जो उनको बातों को, उसकी बातों की लड़ाई के लिए लड़ सके। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ये मजदूर संगठन श्रमिकों की चिंताओं और मुश्किलों को समझें और बदलते हुए समय एवं बदली हुई परिस्थितियों में अपनी भूमिका को पुनर्परिभाषित करते हुए श्रमिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। लेकिन उनको पुनः अपने पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा उन्हें कि कौन से मुद्दे उठाए जाने चाहिए। लेकिन अब तक के अनुभवों के आलोक में दूर दूर तक ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। आज श्रमिक आंदोलन के पास ऐसे नेतृत्व का अभाव दिख रहा है जिसके पास श्रमिकों की समस्याओं की समझ हो। ऐसे समझ वाले नेता भी नहीं है आज के डेट, ऐसे समझ वाले आज के डेट में नेता भी नहीं है जिनको नेतृत्व जो है, जिनको श्रमिकों की समस्याओं की समझ हो और राजनीतिक दलों के साथ अपनी बातों को श्रमिकों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ इन समस्याओं के समाधान करने के लिए वो तैयार हो। यही कारण है कि श्रमिकों की नजरों में इन श्रमिक संगठनों की विश्वसनीयता बड़ी शून्य के स्तर पे है और इसलिए मीडिया भी इन्हें तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। वैसे इसका एक महत्वपूर्ण कारक मीडिया पे कॉरपोरेट हाउसों का कसता हुआ शिकंजा भी। आज बड़ी परिस्थितियां ऐसे मोड़ पे आ गई हैं कि कॉरपोरेट हाउस जो है वो बुरा हावी होता जा रहा। इस देश में समस्याएं बड़ी, आने वाले समय में मुझे जो लगता है बड़ी विकराल समस्या। इसमें क्या है कि वो मीडिया पे देखिए कॉरपोरेट हाउस का कसता हुआ शिकंजा। कुछ ही मीडिया चैनल्स है वो क्या न्यूज दिखाएंगे, सबको वही देखना पड़ेगा। सभी को वही देखना पड़ेगा। उनका भी राजनीतिक दलों से साठ गांठ है। कुछ ही बड़े राजनीतिक दल है और कुछ ही बड़े मीडिया हाउस है, आपस में सबके लिंक के साथ गांठ बने हुए। तो ये कैसे उसमें मजदूरों का किस तरीके से हित सधेगा, ये देखने वाली बात। संक्षेप में कहें तो श्रमिक संगठनों की जड़ों से कटाव हो गया और इनकी पृष्ठभूमि में विश्वसनीयता का संकट भारत की नहीं विकसित देशों के श्रमिकों की भी एक बड़ी समस्या। जो श्रमिक है वो किस पे, उनके नेतृत्व ही भ्रष्ट है। नेतृत्वकर्ता में वो क्षमता नहीं। विकसित देशों के श्रमिकों की समस्या भारत की श्रमिकों से थोड़ी अलग, पर 2008-09 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में श्रमिकों से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे एक बार फिर से प्रासंगिक हो गए। इसलिए आज इन संगठनों को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करते हुए श्रमिक प्रतिरोध को कमजोर करने की सरकार की रणनीति को बेनकाब कर सके।
वो आरोप लगाया था कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करते हुए श्रमिक प्रतिरोध को सरकार की ऐसी आलोचक जवाब लगाते हैं, उसकी रणनीतियों को बेनकाब कर सके। और ये तभी संभव होगा जो अपने एजेंडे में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों से संबद्ध मुद्दों और उनकी चिंताओं को भी प्रमुखता से स्थान दे, ताकि वे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का विश्वास हासिल कर सके। तो कैसे संभव होगा जब उनको भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया, तभी जाकर के उनको उनका विश्वास मिलेगा। आगे देखिएगा, एजेंडे को पुनर्परिभाषित करने की जरूरत। अगर इन श्रमिक संगठनों को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है तो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने एजेंडे में स्थान देना होगा, वरना उनकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाने का खतरा। ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक इनका प्रभाव बढ़े, अधिकतम श्रम शक्ति के संगठित क्षेत्र के दायरे में लाने की रणनीति अख्तियार करने के लिए दबाव बढ़ाना हो, शहरों में रहने वाले मजदूरों और उनके बच्चों के जीवन स्तर में सुधार के लिए शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छ पेयजल आवास एवं परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की आसान शर्तों पर उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए सघन अभियान चलाना, नवाचार को उच्च जीवन प्रत्याशा, तीव्र तकनीकी विकास के वर्तमान दौर में श्रमिक संगठनों को कौशल विकास को भी अपना एजेंडा बनाना। श्रमिक संगठनों को क्या ड्यूटी है, ये भी तो ड्यूटी होनी चाहिए। एक दो तीन ऐसे उनका भी चार कामों को बंटवारा होना चाहिए कि कौन से चार काम करें, कौन से वो चार काम करें जो है वो। तो श्रमिक संगठनों को क्या करना है, कौशल विकास को भी आधार बनाना, श्रमिकों को भी अपडेट, उनको और भी काम दिया जाना चाहिए, केवल विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या श्रमिक संगठनों का यही काम है कि केवल जो है वो प्रबंधन की नीतियों की आलोचना करें, सरकार की नीतियों की आलोचना करें, क्या कि यही काम है उनका? उनको स्किल में अपने मजदूरों को सिखाना होगा, कौशल विकास को एजेंडा बनाना होगा। किसको किसको? श्रमिक संगठनों को। अनुकूल निवेश और कारोबारी वातावरण के निर्माण की कोशिशों के विरोध पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इनका फोकस छंटनी के शिकार श्रमिकों के लिए बेहतर मुआवजा, उनके पुनर्वास और उसके मद्देनजर उनके कौशल विकास को सुनिश्चित करने पर होना चाहिए। हमें प्रश्न ये नहीं है कि किस इंडस्ट्री से कितना मजदूर निकाला गया, कि इसको सप्लाई और डिमांड पे रहने दीजिए, अपने मजदूरों की भी मांग बढ़ेगी तो उनका उस मुद्दे से ध्यान हटा करके उनको स्किल पे लगाया जाए, जो छटनी जो हो गए उनको मुआवजा दिलवाया जाए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो और उनको फिर से रीस्किल्ड किया जाए, पुनः कौशल उनको फिर से रीस्किल्ड किया जाए, उनको किसी किसी खास क्षेत्र को सिखाया जाए। तो मजदूरों को शिकायत निवारण के लिए पेपरलेस, प्रेजेंटलेस और कैशलेस पोर्टल की मांग करनी चाहिए, साथ ही भविष्य निधि और बीमा सुविधाओं के आसान निपटारे पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिएगा, शहरीकरण प्रबंधन, भारत लोगों को स्थानीय स्तर रोजगार उपलब्ध करवा पाने की स्थिति में नहीं है और अधिक जनघनत्व वाले राज्य विकास के लिहाज से बड़े पिछड़े हुए हैं, जिनका भी डेंसिटी ऐसे मान लीजिए बिहार का डेंसिटी ज्यादा है ना, तो राज्य विकास के हिसाब से ऐसे लोग पिछड़े भी हुए हैं वैसे राज्य। इसलिए आने वाले वर्षों में गांवों से शहरों की ओर और विकास दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की ओर और उत्तर और पूर्वी भारत से पश्चिमी और दक्षिणी भारत की ओर माइग्रेशन के तेज होने की संभावना, गांवों से शहरों की ओर विकास का रास्ता चलेगा, विकास दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों से विकसित क्षेत्रों की ओर होगा और उत्तर और पूर्वी भारत से पश्चिमी दक्षिण माइग्रेशन और तेज होगा। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि अगले 20 वर्षों में देश की कुल जनसंख्या वृद्धि में उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा का हिस्सा करीब 40% रहने वाला। इतना ही नहीं, भारत के केवल 45 शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है और 6 लाख में से 2 लाख गांवों की औसत आबादी 200 से भी कम। ऐसे में श्रम संगठनों को ऐसी शहरी नीतियों के अमल पे जोर देना चाहिए जो सम्मानित और असरदार तरीके से स्वच्छ ग्रामीण प्रवास को सुगम बनाए। शहरी नीतियों में भी जो है वो बदलाव लाने की जरूरत है, और आने वाले समयों में और भी माइग्रेशन होगा, और कि अगले 20 वर्षों में देश की कुल उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा का हिस्सा 40% रहने वाला है और भारत में 45 शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। और तो इन चीजों को देखना पड़ेगा कि शहरी नीतियों की शहर कैसे अच्छे से बसे, अच्छे से प्लैंड वे में हो। और देखिएगा, हम अगला चीजों को उठाएंगे, मारुति सुजुकी विवाद क्या है। मारुति सुजुकी विवाद 2012 उदारीकरण के पिछले कई दशकों के दौरान होने वाले उन अपवाद संघर्ष में नियमित और अस्थायी श्रमिकों ने समान कार्य के लिए समान वेतन और अस्थायी श्रमिकों को नियमित करने के प्रश्न पे रणनीति के साथ एकजुटता अपनी लड़ाई लड़ी। उनको कहा गया कि नियमित और अस्थायी श्रमिकों ने मांग किया समान कार्य के लिए समान वेतन और उनको नियमित किया जाए, रेगुलराइज किया जाए। इस बात को लेकर के मारुति में ये समस्या जो है हो गई, और ये उसके बाद से ये बहुत बड़ा मुद्दा वो बन गया। बहुत तोड़फोड़ की कार्रवाई भी हुई मानेसर में, उसके जो प्लांट यहाँ पे हैं। अक्टूबर 2012 में मारुति ने श्रमिक अनुबंधकर्ताओं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से संविदा श्रमिकों की जगह कंपनी और अस्थायी कंपनी टेम्प के रूप में एक नई व्यवस्था शुरुआत की दिशा में पहल, जिसके तहत अस्थायी श्रमिक 5 माह के लिए काम करेंगे, फिर 5 माह के लिए उनकी छुट्टी होगी और इस अवधि के बाद उन्हें अगले 6 महीनों के लिए दोबारा रखा जा सके। 5 माह काम करेंगे, 5 माह के लिए उनकी छुट्टी होगी और अगले 6 महीने के दोबारा उन्हें कैंटीन भोजन, कर्मचारी बीमा, प्रोविडेंट फंड, सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। इस तरीके का प्रावधान किया गया जब विवाद ये खड़ा हुआ। दूसरी बात यह है कि मारुति ने एक ऐसे मॉडल को प्रस्तुत किया जिसमें मध्यस्थ श्रमिक अनुबंधकर्ताओं को दरकिनार करते हुए श्रमिकों की सीधी भर्ती की दिशा में पहल की और इसके जरिए सीधा लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, बीच के मध्यस्थ को खत्म कर दिया गया, बीच के मध्यस्थ को खत्म कर दिया गया, लेकिन बाद में नियमित कर्मियों के वेतन मन में वृद्धि, वेतन मद में वृद्धि के बाद जब अस्थायी श्रमिकों के वेतन वृद्धि की मांग की तो उन्हें नियमित मजदूरों का साथ नहीं मिला और इस तरह मजदूरी में एकता खंडित हो गई। जब उन्होंने अस्थायी श्रमिकों ने भी वेतन वृद्धि की मांग की तो नियमित मजदूरों ने उनका साथ नहीं दिया, तो इन बातों में भी गौर करना पड़ेगा। श्रम सुधारों की हम भावी दिशा को देखते हैं। स्पष्ट है कि अब तक के श्रम कानूनों ने संगठित क्षेत्र में पूंजी आधारित विकास को संभव बनाते हुए रोजगार के सृजन की संभावनाओं को प्रतिकूलता प्रभावित किया। इन श्रम कानूनों ने संगठित क्षेत्र में पूंजी आधारित विकास को तो बढ़ावा दिया है, लेकिन रोजगार अवसर के सृजन की संभावनाओं को प्रतिकूल प्रभावित कर दिया। क्यों? अतः औपचारिक रोजगार सृजन की संभावना का पर्याप्त दोहन तभी संभव है जब नियमों और प्रक्रियाओं में समुचित बदलाव लाए जाए। इसके लिए सरकार को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो कॉरपोरेट क्षेत्र से अधिक श्रम गहन क्षेत्रों में प्रवेश को प्रोत्साहित करे और श्रम गहन असंगठित क्षेत्र की आउटपुट को बढ़ा सके जो है। साथ ही राजकोषीय प्रोत्साहन सब्सिडी नीति को इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि यह उद्यमिता एवं श्रम के क्षेत्र में गतिशीलता को प्रोत्साहित करे और नियमित वेतन वाले अस्थायी रोजगार अवसरों का सृजन कर सके। देखिएगा, अब इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। सरकार को कैसी नीतियां बनानी चाहिए?
वैसी नीतियां जो कॉरपोरेट क्षेत्र के अधिक श्रम गहन क्षेत्रों में प्रवेश को प्रोत्साहित करें, जैसे खेती बाड़ी में श्रम गहन क्षेत्रों में प्रवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए, और श्रम गहन असंगठित क्षेत्र के आउटपुट को जो बढ़ा सके। साथ ही राजकोषीय घाटा प्रोत्साहन इस प्रकार के डिजाइन किया जाए कि यह श्रम के क्षेत्र में गतिशीलता को भी प्रोत्साहित करे, और नियमित वेतन वाले अस्थायी रोजगार और ज्यादा से ज्यादा रोजगार का अवसर सृजन किया जाए। वर्तमान में देखिएगा, वर्तमान में प्रोत्साहन और सब्सिडी नीति को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि माइक्रो, लघु, मध्यम और वृहद इकाइयों के निर्धारित आकार के अतिक्रमण के लिए उद्यमियों को दंडित किया जा सके। वर्तमान में यह सुविधा केवल वृहद उद्योगों के लिए ही उपलब्ध है, इसमें लघु और मध्यम उद्योगों के संदर्भ में भी लागू किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखा जाए कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों की तुलना में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति ज्यादा खराब है, अतः सरकार को अपना ध्यान इनकी स्थिति में सुधार पर केंद्रित करना चाहिए। इतना ही नहीं, श्रम आधारित औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की कार्य कुशलता उत्पादकता का स्तर भी अच्छा नहीं है। सब सारी समस्याएं हैं, और इसमें हम फिर से इसको देख लेते हैं। वर्तमान में प्रोत्साहन और सब्सिडी नीति को ऐसे डिजाइन किया जाए कि माइक्रो, लघु, मध्यम और बृहद इकाइयों के लिए निर्धारित आकार के अतिक्रमण कोई करता है तो उसको उद्यमियों को दंडित किया जाए। वर्तमान में यह सुविधा बृहद उद्योगों के लिए उपलब्ध है, इनको भी उपलब्ध किया जाए, लघु और मध्यम उद्योगों के संदर्भ में भी लागू किया जाए। और यह माना जाए कि संगठित क्षेत्र के मजदूर की तुलना में असंगठित क्षेत्र की मजदूर की स्थिति बेहद खराब। संगठित क्षेत्र का मतलब समझ रहे हैं, इसे रेलवे, पोस्टल है ना, बिजली कंपनियां, ये सब जो है वो है, इस तरह की बातों को ले सकते हैं कि वो संगठित क्षेत्र कहे जाएंगे। अतः सरकार को अपना ध्यान इनकी स्थिति में सुधार पे केंद्रित करना चाहिए। इतना ही नहीं, श्रम आधारित औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की कार्य कुशलता उत्पादकता का स्तर भी ठीक नहीं है, इसलिए श्रमिकों की कुशलता और उत्पादकता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को अपना ध्यान अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में देना चाहिए। घरेलू प्रसूत क्षेत्रों में संविदा श्रम को प्रोत्साहित किया जाए और इसके प्रतिपूरक के तौर पर सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम को विस्तृत किया जाए। श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण की रिपोर्टिंग प्रणाली को सरल, सहज और सूचना प्रौद्योगिकी मित्रवत बनाया जाए। और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में संविदा श्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतिपूरक के तौर पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को उसमें दे दीजिए उन लोगों को। श्रम कानूनों के क्रियान्वयन में पर्यवेक्षण की रिपोर्टिंग प्रणाली को बेहद सरल बनाया जाए, सरल और सूचना प्रौद्योगिकी मित्रवत बनाया जाए। भले ही पहली नजर में वर्तमान श्रम कानून श्रमिकों के पक्ष में लगे, लेकिन वास्तव में भविष्य की आशंकाओं के मद्देनजर वर्तमान के विकास को भी प्रभावित करते हैं। यह कहा जाता है कि श्रम सुधारों के संदर्भ में यदि प्रभावी तरीके से सुधारों को लागू किया जाता है तो इससे उद्यमिता और निवेश के अनुरूप बाजार स्थितियों का सृजन संभव हो पाए। अगर उसको प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो उद्यमिता के केस में निवेश की जो FDI आता है, मैंने पहले चर्चा की, और बाजार स्थितियों का सृजन हो सकता है इसके सहारे। किससे? श्रम सुधार। श्रम सुधार आएगा तो बाहरी उद्यमिता भी आएगी, बाहर से जो है वो लोग आएंगे, उद्योगपति जो है, और विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, और तीसरा क्या होगा, बाजार की स्थिति भी स्ट्रांग होगी। तो ऐसे चार्ट में ऐसे किसी बातों को आप लिख करके दिखा सकते हैं।
चार्ट वाइज या इस तरीके से चीजों को। तो और इसी के सहारे वो मैंने ये लेक्चर को हम लोग अब समाप्त करेंगे और फिर आगे हम लेकर के आएंगे अगले लेक्चर में कि किस तरीके से जो है वो हम लोग जो है वो, चलिए एक स्लाइड और कर लेते हैं, तो दूसरा श्रम आयोग को हम लोग करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों की मांग में तेजी आएगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार संभव, क्योंकि ये कानून अधिकांश तो संगठित क्षेत्र पे लागू होते हैं और भारत का संगठित बड़ा छोटा है, इसलिए इन सुधारों को संगठित क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा और वहां रोजगार की संभावना को बढ़ावा मिल सकता है। श्रम सुधारों के क्रम में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी दायरे में लाने की बात की जा रही है, इससे संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति में भी सुधार होगा और संगठित क्षेत्र के विकास को भी सहायता मिल सकती है। विशेष रूप से श्रम सुधारों का सर्वाधिक लाभ लघु उद्योग और विशेष रूप से वस्त्र उद्योग को मिलने की संभावना है, लेकिन अब तो इस दिशा में प्रभावी कदम उठा पाना संभव नहीं हो पाया। इसी के साथ ये हम लोग इसको, इस कक्षा को विराम देते हैं और फिर मैं अगला वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगा और आप देखिएगा कि रंजन कोड का प्रयोग करके लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम में लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग फिर अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं।